आइए डॉक्टर साहब। आ गए डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर। हेलो डॉक्टर चौटाला। सासू माँ को जरा देखिए ना, कैसी हालत बना दी उन्होंने अपनी। हम आपका भी चेकअप करते हैं, आपको यूँ ठीक कर देते। बताइए मुझे क्या क्या हुआ आपको। अभी थोड़ी देर पहले अटैक आ गया था। अटैक? फिर तो उनको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। लेके जाओ लेके जाओ, वैसे भी कुछ काम नहीं करती घर पे वो। नहीं नहीं, अटैक नहीं आया था मुझे, थोड़ा सा मेरा वो ब्लड प्रेशर। ससमा अगर डॉक्टर बोलते हैं तो लेके ही जाना पड़ेगा। देखते हैं देखते हैं, पहले मुझे चेकअप करने दीजिए, अगर वैसा कुछ निकलता है तो हम आगे का देख लेंगे। क्यों बार बार बीच में बोलती है, जरा अपना ये मुंह बंद रख। ए बेटा मेरा जरा हाथ पकड़। जब बोलती हूँ हाथ दबा तो दबाता नहीं, कभी भी दबाता है सिर्फ पकड़। सॉरी मैं। आप कीजिए शुरू मेरा चेकअप। सॉरी सॉरी। क्या हुआ है डॉक्टर, चल गया पता? बहू वो डॉक्टर है, तेरी माँ जैसे अंतर्यामी नहीं। उम्र के साथ साथ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। ए! उम्र इतनी नहीं है मेरी, कुछ भी ज्यादा नहीं हूँ मैं। क्या है आपकी उम्र? 60 प्लस। 60 साल से ज्यादा उम्र है मुझे भी नहीं पता, पर 60 प्लस। तभी ऐसे प्रॉब्लम नॉर्मल होते हैं, बस कभी कभी ज्यादा हो जाते हैं। अगर इनको ज्यादा हो गया तो हॉस्पिटल लेके आइए, हम देखते हैं फिर। ठीक है हम पूरा ख्याल रखेंगे उनका, अगर कुछ होता है तो हॉस्पिटल लेके आऊंगा। ठीक तो हो जाएंगी ना, चल तो नहीं बसेगी। क्या बोली तू डेवरी? उसी का इंतजार कर तू। अरे उसी के लिए तो तू घर में घुसी है मेरे, मेरे जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी हड़प करने के लिए। ससमा मुझे आपकी बहुत चिंता है, इसलिए मैंने पूछा। चुप कर, तेरी चिंता तेरे पास रख। देख देख तेरी बीबी देख। क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आया? कितना मंद बुद्धि का है तू। आपके ऊपर ही गए वो। शट अप, मैनर्स लेस। आप क्यों डर रहे हो? यह सब हमारे घर में रोज होता रहता है। अगर आपका चेकअप हो गया तो मेरे बेटे को दवाइयाँ लिख दीजिए और जो फीस हुई है वो बता दीजिए। मैं आपको दवाई लिख के देता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। चलिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब। हाँ। हमारी चंपा को आ रही है वापस। मिस चंपा की मिसेस चंपा की छुट्टी परसों खत्म होने वाली है, तो वो कल तक आ जाएंगी। उसको बोलना सोसाइटी में भी आए। ठीक है मैं उनको वैसे बता देता हूँ। शादी करके दोनों जैसे भागी गए। वो दोनों तो शादी करके चले गए, पर सोसाइटी हॉल में चुड़ैल आ गई, उसका क्या। मिस ब्यूटीफुल के पास जाके आती हूँ, थोड़ा मन रिफ्रेश हो जाएगा। पर रात हो गई है, मुझे डर लग रहा है। पर उसका घर तो ऊपर ही है, यूं जाऊंगी कुछ नहीं होगा। ए दूर भूत पिशाच सब दूर दूर, पास नहीं आने का। ए दूर, कोई पास नहीं आएगा मेरे। आ गया मिस ब्यूटीफुल का घर। अरे मिस ब्यूटीफुल, अंधेरा क्यों है इतना? क्या बात है दादी, डर गए? डरती नहीं मैं, समझे ना। दोपहर को मुझे अटैक आया था। क्या बात कर रहे हो, अटैक? डर की वजह।
आप बोली ना आप सच्चाई डर की वजह से। चुप कर, मिस ब्यूटीफुल कहाँ है? कमरे में हो गया आपने? नहीं है वो अपने कमरे में, सब अंधेरा हो गया है वहां पे। हाँ शर्वरी, उसके क्या हुआ दादी? सोसाइटी के हॉल से रोशनी आ रही है। रोशनी? मुझे तो लगा वहां से मंजुलिका आएगी। रोशनी मतलब लाइट, प्रकाश, इनका नाम है प्रकाश, सॉरी लाइट आ रही है लाइट। कोई गया होगा वहां पे? कौन जाएगा वहां पे, कोई नहीं जाता, सब डरते हैं। तो हम चलते, जाके लाइट बंद कर देते। नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगी, तू ही जा। नहीं आओगे आप मेरे साथ? नहीं मैं नहीं आऊंगी। तो आप एक नंबर की डरपोक और बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं। तूने मेरे सीधे मेन पॉइंट पे क्लिक किया ना, चल मैं मॉडर्न हूँ, मॉडर्न नहीं डरती, साइंस साइंस। चल चल कोई नहीं होगा, चल। चलिए चलिए नीचे भी चलिए, यहाँ से मत बोलिए। दादी आगे चलो, शायद शरोरी यही पे हो। हाँ मिस ब्यूटी है, फुल मिस ब्यूटी का फुल। शरवरी कहाँ है ये? शरवरी कोई नहीं है, लाइट बंद कर और चल यहाँ से। ये कौन गाना गा रहा है? वे कसबार मच्छा, सर में रबर निकाय, सोसाइटी हॉल में चम चम रहते हैं। कौन? चम चम चूड़े, सर मेरी बहन और जोया बहन को चूड़िया खनकने की आवाज आई थी और आज तो हद ही हो गई। सुमित्रा बहन, शर्मिला बहन और उन दोनों की सास को वो दिख भी गई है। हम बाहर नहीं जाएंगे रात को। मेरे पिया अब आ जा।